हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप लोग ये क्लास देख रहे हैं। तो जैसा हमारा लास्ट क्लास में डिसाइड हुआ था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बेटे वहीं से कंटिन्यू करते हुए जहाँ पर हमने छोड़ा था, बात आगे शुरू करते हैं। आज का ये लेक्चर स्पेशली किस चीज़ के लिए? फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स किस चीज़ के फ्रेमवर्क सर? जो हमारे सिलेबस में है, चाहे हम CA इंटर में हैं चाहे हम CA फाइनल में है, न्यू सिलेबस में, दोनों के यहाँ पर फ्रेमवर्क किस चीज का? फ्रेमवर्क जो इंड AS का फॉर्मेट है, इंड AS का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब, पहली बात तो सर फ्रेमवर्क समझाओ बेटे, फ्रेमवर्क का मतलब है आधार, बेसिस। तो हम कौन सा पढ़ेंगे सर? जो CA फाइनल में है उनको तो पढ़ना है फ्रेमवर्क इंड AS का, और जो यहाँ पर CA इंटर में है उनको भी ये पढ़ना है सर। उनको इंडियस पढ़ने हैं क्या? नहीं, जो CA इंटर में है उनको इंडियस तो पढ़ने नहीं है, लेकिन उनका फ्रेमवर्क जरूर पढ़ना है, और फाइनल वालों को तो इंडियस के साथ साथ फ्रेमवर्क पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये कॉमन टॉपिक है। आइए मैं शुरू करता हूँ लिखाना। सारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे। सारे बच्चे अब क्या करेंगे बेटे? हेडिंग बनाएंगे। फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर आप तो कह रहे थे कि ये तो इंड AS का फ्रेमवर्क है, लेकिन यहाँ तो लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, ये सब बनाए किस लिए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ना जी। तो उन्हीं के पर्पज से वो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो उनको बताया गया था बनाते हुए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें ये चीज़ें आधार आधारित हैं जिन पे आप बेसिस होकर के वो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी देता हूं, इसको देसी भाषा में लिख भी देता हूं। ये फ्रेमवर्क है किस चीज का? ध्यान रखना, यही फ्रेमवर्क जब हमारे यहाँ उन स्टैंडर्ड्स को कॉपी करके इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जा रहा था ना, वही फ्रेमवर्क हमारे यहाँ पे जारी किया गया था। तो एक ही बार पढ़ेंगे तो वो दोनों के लिए फ्रेमवर्क का काम करेगा। आइए जी, फ्रेमवर्क मतलब मीन्स आधार, मतलब आधार क्या? IFRS कोमा इंड AS एंड AS जिन बेसिस पर, जिन बेसिस पर बनाए गए हैं, वो कहलाते हैं फ्रेमवर्क। आइए, बल्कि इसको आगे ले जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि हमारे यहाँ जो इंडियस की बात की गई है उसमें कैसे कैसे काम कर रखा है। कमाल की बात, देखो फ्रेमवर्क शुरू करने से पहले आपको माइंड में ये चीज डाल लेना चाहिए, क्या जो इंडिया के अंदर हम लोग, इन इंडिया, और जो इन फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से हम देखें, एक छोटी सी चीज हम देख करके तब हम इंडियस के फ्रेमवर्क की बात करेंगे। जो यहाँ पर IAS 1 था, कमाल की बात, देखो हमारे यहाँ उसका नंबर रखा IND AS 1। जो वहां पर IAS 2 था, हमारे यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं IND AS का नंबर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर तो अलग है, वो यहां पर बना IND AS 2। ऐसे ही जो वहां पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग सीरीज करते करते उन्होंने क्या कर रखा था, IAS 41 कर रखा था ना, हमारे यहां पर वो चीज बनी IND AS 41। और जब बात चली इससे आगे की, जो याद है ये तो किसने इशू किए थे? इशूड बाई IASC, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये। हाँ सर, तो इसके आगे की जो बात चली थी जिसका नाम रखा था IFRS 1, IFRS 2,
करते 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 आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको बात बताई थी IFRS 15। हाँ सर, ये किसने इशू किया था? इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, इसने इशू किया था। उन्हीं को हमारे यहां पर नंबर इसमें बेटे बस 100 100 प्लस कर दिया गया। कितना कितना प्लस कर दिया गया? यहां पर 100 जोड़ कर सीरीज जारी की गई। मतलब मैं कहूं ये IFRS 1 था ना, यहां पर हमने इसका नाम रखा IND AS 100 प्लस कर दो वन में 101। यहां पर IFRS 2 में दो जोड़ दो, 100 जोड़ दो IND AS 102। ऐसे ऐसे करते 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 करते, ठीक है। वो एक अलग चीज है कि बीच में कुछ IND AS को हटा दिया गया, वो एक अलग चीज है कि बीच में कुछ IND AS को हटा दिया गया, लेकिन हमारा जो फ्रेमवर्क था, जो आधार था यहां पर IND AS को जारी करने का, उनमें से सबसे पहले बेटे सीरियल नंबर का क्या आधार था, मैं वो आपको बात बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि कई सारे बच्चे देखेंगे सर 115 IND AS बन चुके हैं हमारे यहां पर, तो डर जाएंगे सर 115 IND AS पढ़ने होते हैं हमें फाइनल में जाकर के। नहीं, ये आपको सिर्फ पहले एक आधार बताया कि हमारे यहां पर उस चीज को किस तरह से, पहले सीरीज का आधार देखो, फ्रेमवर्क प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन का तो आधार बाद में देखना, पहले तो तुम सीरीज का आधार देख लो। तो इस उम्मीद के साथ कि बच्चों ने बात नोट कर ली होगी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हम कर रहे हैं फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए जी बेटे नेक्स्ट पेज पर मैं फिर से यही हेडिंग डाल करके आपको लेकर के चल रहा हूं आगे। दोबारा से हेडिंग डालो, सेम वही हेडिंग, वो तो सीरीज का आधार मैंने आपको बता दिया, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन का कौन सा आधार था जो वहां पर और यहां पर इश्यू किया गया, जिनके बेसिस पर सारे स्टैंडर्ड्स बने? नंबर वन, सबसे पहली बात तो है बेटे स्कोप। और मैं बता दूं, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं सारी चीजें मैं कहीं और से नहीं, आप ही के इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट की साइट से सारा डाटा वहीं पे से उठा हुआ है, जो अलग अलग राइटर्स ने अपनी बुक में डाला है। स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क की, जो फ्रेमवर्क है मतलब आधार में कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले तो बात ध्यान रखेंगे हम लोग, बाद में यही हमारे हेडिंग बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले तो ये आधार के रूप में सामने आने वाला है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हम समझेंगे, अभी डिटेल में बात करेंगे। बी बेटे ध्यान रखना, एग्जाम में नंबर दिलाएगी ये चीज, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स विच नीड्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पहले तो इस बात को समझना होगा, तभी तो स्टैंडर्ड ढंग से बना पाएंगे। हाँ सर, बात तो सही है। तो क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, सो दैट यूजफुलनेस और यू कैन से इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट
इफेक्टिव कैन बी रेज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। बेटे इन सभी को हमें पूरी डिटेल में पढ़ना है अभी। ये हेडिंग है, एक तरह से समझ लो जो हम आगे हेडिंग डालने वाले हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उद्देश्य है। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, बार बार बीच में भूल जाएंगे बच्चे। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे इंडिया में, तो फॉरेन वाले स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कॉपी करके बनाए गए थे। तो जिस आधार पर वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे, उनका एक आधार मतलब बेसिस जारी किया गया था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा, जिसने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे, जिनको कॉपी करके हम अपने यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे थे। और उसी आधार को हमने भी यहां पे कॉपी कर लिया एज इट इज, ठीक है। तो आज हमें वो बेसिस पढ़ना है, वो आधार पढ़ना है, जिसके बेस पर बाहर और यहां पर स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स में इशू किए गए, ठीक है। तो वहां पर बोला गया था कि स्टैंडर्ड बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो उनका उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इस बात को ध्यान रखना है। फिर ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक अच्छा डिसीजन हो सके, इसके लिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है जी। ओके, नंबर सी, कुछ डेफिनेशंस थी बेटे जिनका यूज होना था। डेफिनेशंस ज्यादातर तो हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ रखी है, असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, वगैरह वगैरह। डेफिनेशंस, रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट, डेफिनेशन रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। भाई डेफिनेशन क्या है उन एलिमेंट्स की, उनका रिकॉग्निशन मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स क्या है भाई, फ्रॉम विच, जिनसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है जिनसे। वो कौन कौन सी डेफिनेशंस है, वो कौन कौन सी रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की मेजरमेंट्स है, एलिमेंट्स के, किन किन एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स के जिनके आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। जैसे बेटे असेट्स, लायबिलिटीज है ना, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, वो एलिमेंट्स है जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। उनकी क्या डेफिनेशन है, उनको कब रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको क्या मेजरमेंट, उनके क्या रूल है, उनके किस किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करते हैं। डी पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। तो आइए बेटे शुरू करते हैं सबसे पहला हेडिंग। पहले तो हमने देखा भाई क्या स्कोप है फ्रेमवर्क का, भाई फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या बातें हैं जो हमें देखनी है। हमने पहले तो इसकी एक लिस्ट बना ली समझ लो, एक तरह से इंडेक्स बना ली समझ लो, ठीक है। और अब हम सबसे पहले शुरू हो गए जी, सबसे पहले वाली लिस्ट जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेकंड हमारा जो हेडिंग डलेगा, सेकंड वाला हेडिंग वो डल रहा है ऑब्जेक्टिव्स। हेडिंग बनाओ बेटे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या उद्देश्य रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, लिखो जी। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कोमा, विच इज, कौन सी इंफॉर्मेशन, विच इज यूजफुल
टू द, जो यूजफुल हो टू द वाइडर रेंज, वाइडर रेंज ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे यूजर्स के लिए, बेटे वाइडर रेंज बोला, वाइडर रेंज ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं ना, जो आपने पढ़े हैं, हाँ सर, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक जो उसे लोन दे रहा है, ओनर, सब अपने एंगल एंगल से स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, उस पर ध्यान देना चाहिए स्टैंडर्ड बनाते हुए, कि हमारे अकाउंटिंग के जो रूल है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस तरह के हों कि जो एक बहुत बड़ी रेंज को सेटिस्फाई कर सके, उनको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे सके। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दियर डिसीजन मेकिंग, जो उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, इन इजीएस्ट मैनर। एक तो भाई ये बात कि ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वाइडर यूजर्स को, ताकि उनका डिसीजन इजीएस्ट मैनर में हो सके। और क्या बात भाई, और क्या बात, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अबाउट, इंफॉर्मेशन जो है वो किसके बारे में होने चाहिए, मस्ट बी अबाउट, एक तो भाई फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, आपको पता है ना ये कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। और किस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, जिसके आधार पर हम स्टैंडर्ड बनाए जी, और उससे बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चले, परफॉर्मेंस पता चले, और किस बात की इंफॉर्मेशन का आधार चाहिए हमें स्टैंडर्ड बनाते हुए, कैश फ्लो का पता चले, सही कैश फ्लो कितने का आ जा रहा है, इस बात का पता चले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ इस तरह के हों। और एक चीज और है, कुछ सम अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं, सम अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिनको आधार रखना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चले कि भाई वो अजम्पशंस यूजेबल है या नहीं इन स्टेटमेंट्स को बनाते हुए, ठीक है। तो अकाउंटिंग में कुछ इस तरह के रूल बने, स्टैंडर्ड बने, कि जो ये वाली इंफॉर्मेशन निकाल करके लेके आए, ताकि एक सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पिक्चर सामने आए। आई होप कि आप साथ साथ नोट भी कर रहे हो। सर ये थ्योरी की क्लास है? हाँ बेटे, ये आज की क्लास तो थ्योरी की समझ लो, लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। तो मैं चल रहा हूँ आगे, नंबर सेकंड में ही आगे बात चली आगे, कि भाई ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को समझाया गया फ्रेमवर्क्स में, लिखा था फाइनेंशियल पोजीशन की बात करो जी। हाँ जी, सबसे पहले लिखो बेटे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई द, भाई किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, मतलब किसी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कैसे, ये हटा दो, किसी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट होगी, किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगी, कैसे पता चलता है कि किसी आदमी की आर्थिक स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ जी, सबसे पहले ए हेडिंग बनाओ, जो उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक
रिसोर्सेज हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल्ड, क्या मतलब, जो भी उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसके अपने पास कितना पैसे का सोर्स है उसका, ठीक है ना, जो उसके कंट्रोल में है। टू हेल्प, ये किस पर्पस के लिए पता चलता है, टू हेल्प फॉर प्रिडिक्टिंग, इससे क्या पता चलता है, फॉर प्रिडिक्टिंग द एबिलिटी टू जनरेट कैश, किसी व्यक्ति की, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अगर जानना है तो उसके लिए उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो उसके कंट्रोल में है पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए, और जब ये जानकारी होगी तब फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा और उसी से संबंधित कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हुए रूल्स डिसाइड करें ताकि वो सही जानकारी सामने आ सके। भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल में मतलब जो इससे होगा क्या, इससे एक सही अनुमान लगा पाएंगे कि वो कितने कैश जनरेट कर सकता है अपने किसी भी बिजनेस के डिसीजन के लिए। नेक्स्ट बी पार्ट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू प्रिडिक्ट, ये जानने के लिए कि भाई उसको कितने की रिक्वायरमेंट है और उसमें से कितना पैसा उसके पास खुद का है और बाकी कितना है कि जो उसको बोरो करना पड़ेगा। टू प्रिडिक्ट द नीड ऑफ बोरोइंग्स, भाई उसको अगर उधार की जरूरत है तो कितने रुपए उधार की जरूरत है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, कि उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सी पॉइंट, लिक्विडिटी एंड सोलवेंस, लिक्विडिटी एंड सोलवेंस, लिखो बेटे एक बार लिख लो पहले, टू प्रिडिक्ट वेदर, कि भाई वो एबल है कि नहीं है, वेदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आर मेट व्हेन दे फॉल ड्यू, तो भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हुए जब आपको बनाना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक आधार को ध्यान में रखना है कि भाई वो इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर के आए कि उसकी सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ये पता चले कि भाई वो कितना कैश लेकर के आ सकता है, जनरेट कर सकता है, कितने की उसको उधार की रिक्वायरमेंट है और वो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करता है कि नहीं करता है जब भी उनकी ड्यूटी ड्यू डेट आती है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई उधार ले रखा है उसने, तो उसने टाइम से पूरा किया है कि नहीं किया है, ये इन्फॉर्मेशन भी उसमें आ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ इस तरह के रूल बने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आधार था बेटे इन सभी स्टैंडर्ड्स को बनाने का। आगे चलते हैं और क्या, फाइनेंशियल पोजिशन के साथ साथ में नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जो बात अभी कही थी ना, तो भाई परफॉर्मेंस की बात करो जी। परफॉर्मेंस की बात क्या कहना चाहते हैं इसमें, परफॉर्मेंस रिलेटेड वेदर, वेदर ऑपरेशन, कोई आदमी जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फ्यूचर क्या है उसका, ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी निकल के आ जाए और अच्छे से एक सही डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर ले सके, इस तरह का आप स्टैंडर्ड बनाओ कि ये चीज भी सामने आ जाए। वेदर ऑपरेशंस आर बीइंग कंडक्टेड कंडक्टेड इन प्रॉफिटेबल मैनर, इन प्रॉफिटेबल मैनर, और नोट बी पार्ट,
टू प्रिडिक्ट अबाउट द कैपेसिटी, अबाउट द कैपेसिटी ऑफ एंटिटी फॉर जनरेटिंग कैश फ्लो। भाई कैश फ्लो का जनरेशन का बेटे ध्यान रखना, प्रॉफिट का जनरेशन एक अलग है, साथ में कैश फ्लो के जनरेशन की बात अलग है। अबाउट द कैपेसिटी ऑफ एंटिटी फॉर जनरेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्स बेस, जो पहले से उनका रिसोर्स का बेस है उससे वो कितना कैश जनरेट कर सकते हैं, उनकी सही परफॉर्मेंस उसी के बेस पे डिसाइड होती है बेटे। उसके बारे में एकदम सही इंफॉर्मेशन सामने आ जाए, एक ऐसा स्टैंडर्ड बनना चाहिए ताकि सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट हो सके। नेक्स्ट, बार बार याद दिलाऊंगा मैं तुम्हें ताकि तुम कहीं भूल ना जाओ कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहां पर इस चैप्टर में। बस यही एक खासियत है क्योंकि थ्योरी का चैप्टर है, उसके कैश फ्लो के बारे में क्या। टू असेस, भाई ऐसे स्टैंडर्ड होने चाहिए जो असेस कराने में हेल्प कर सके। टू असेस द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कोमा फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। टू असेस द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ताकि इन तीनों से जो कैश फ्लो जनरेट होना है उसको अच्छे से असेस हो सके, एक ऐसे इंफॉर्मेशन निकल के आए, ये आधार होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बनने का। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ये मानते हुए कि बच्चों ने इस बात को नोट कर लिया, बेटे मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइंग अजम्पशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर मुझे भी ले आइए स्क्रीन पे। अंडरलाइंग अजम्पशंस, अंडरलाइंग अजम्पशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ जी, जैसे कि बेटे कौन कौन से अजम्पशंस हैं जो जिनके आधार पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होते हैं, कि आप जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये अजम्पशन तो हिल ही ना पाए। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इस अजम्पशन को ध्यान रखना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, यानी कि बिजनेस विल कंटिन्यू इन फोरसीएबल फ्यूचर, कि बिजनेस अभी बंद करने का कोई इरादा नहीं बन रहा है, जितना फ्यूचर देखा जा सकता है, प्रिडिक्टेबल फ्यूचर, उसके दौरान बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, इसी का नाम है बेटे गोइंग कंसर्न अजम्पशन। बी पॉइंट, कंसिस्टेंसी पॉलिसीज टू बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, कि भाई पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू फॉलो की जाएंगी। अगर एक साल में अगर डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड लग रहा है तो अगले साल भी एसएलएम ही लग रहा है, इस बात का आधार मानते हुए आपको स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक बिल्कुल सही अजम्पशन बेसिस सिचुएशन सामने निकल के आए। सी पॉइंट,
सी पॉइंट, जी सी ए, एक्रूअल, इसको बेटे जी सी ए ऐसे बोल के याद करते हैं बच्चे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट या अजम्पशन। लिखिए बेटे ये क्या कहते हैं, इस आधार को कैसे बोला गया, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, कि इनको रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड एट द टाइम दे ओकर, कि जिस टाइम पर वे ओकर होते हैं उसी टाइम पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ओकर दैट इज मर्केंटाइल बेसिस भी इसको बोलते हैं, मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है। एक और नाम इसका होता है क्या, ड्यू बेसिस, क्या नाम होता है बेटे, ड्यू बेसिस। नेक्स्ट, हाँ जी, इन अदर वर्ड्स सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, नोट ऑन कैश बेसिस। कहते हैं कि कैश बेसिस पे नहीं, बस एक्रूअल बेसिस पे आप इसको फॉलो करो, एक्रूअल बेसिस पे आप इसको अकाउंट्स को बनाओ। हाँ जी, तो ये क्या थी भाई जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था, कि वाइडर यूजर की रेंज को हम सेटिस्फाई कर सके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, ताकि वो एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके अपने लिए। और वो इन्फॉर्मेशन किस किस के रिगार्डिंग में थी, फाइनेंशियल पोजिशन, परफॉर्मेंस, कैश फ्लो और कुछ अंडरलाइंग अजम्पशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ही स्टैंडर्ड बने, ताकि एक सही और बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के पास जा सके, ताकि वो अपना डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकें। नेक्स्ट, अगला है बेटे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट वाला। जी सर मुझे भी ले आइए स्क्रीन पे, क्वालिटेटिव हेडिंग डालिए बेटे, क्वालिटेटिव नंबर थर्ड हेडिंग है ये। क्वालिटेटिव सर मुझे भी ले आइए स्क्रीन पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सबसे पहली बात और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो है बेटे अंडरस्टैंडेबिलिटी। एक मिनट, सबसे पहली बात अंडरस्टैंडेबिलिटी, हम पढ़ रहे हैं, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं वो आधार जिनके बेस पर ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह की क्वालिटी रखे। अंडरस्टैंडेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट बी
रिक्वायर्ड, इनको बन जब बनाए तो इन बात का ध्यान रखें। बी पार्ट, अगला हेडिंग है बेटे रिलेवेंस। रिलेवेंसी अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क, अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क। बेटे पेन चलाओ, रुकना मत। अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क इंफॉर्मेशन शुड हैव, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह के बने कि जिनसे ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आए, शुड हैव क्वालिटी ऑफ रिलेवेंस, रिलेवेंस क्वालिटी ऑफ रिलेवेंस विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, द डिसीजन ऑफ यूजर्स, ऑफ यूजर्स बाय हेल्पिंग देम फॉर इवेल्युएटिंग या इवेल्युएशन ऑफ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट्स। ये कह रहे हैं फ्रेमवर्क जो है ना, फ्रेमवर्क वो इस तरह का हो, फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो रिलेवेंट बात झलकाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कौन से रिलेवेंट? जो डिसीजन ऑफ यूजर्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। किस तरह से इंफॉर्मेशन? जैसे बाय हेल्पिंग देम फॉर इवेल्युएशन, जिससे कि पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का उनको एनालिसिस अच्छे से करा सके। इवेंट्स और फॉर कंफर्मिंग और करेक्टिंग दियर पास्ट इवेल्युएशन। और ये भी पता चले कि उन्होंने जो पास्ट में इस तरह का अनुमान लगाया था उसमें और हकीकत में कितना डिफरेंस है, ये भी उसमें पता चल जाए। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेशन हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेवेंसी लेकर के आए। नेक्स्ट आई होप कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। आइए जी अगला हेडिंग डालिए, नंबर सी पॉइंट, मेटेरियलिटी। हाँ जी, इंफॉर्मेशन देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क इन्फॉर्मेशन इज मेटीरियल। ये कहते हैं देखो, मेटेरियलिटी का ध्यान तो रखना है, लेकिन फ्रेमवर्क में मतलब आधार में बताया गया इन्फॉर्मेशन को कब मेटेरियल माना जाएगा। इन्फॉर्मेशन इज मेटीरियल इफ, अगर भाई उसका इग्नोरेंस हो जाने से इन्फॉर्मेशन के यूजर को इफेक्ट पड़े। द इग्नोरेंस ऑफ दैट can affect the decision of users which they decided
ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क. भाई इंफॉर्मेशन मेटेरियल तब होती है अगर उसका इग्नोरेंस हो जाए तो उससे इफेक्ट अगर पड़ता है, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन दे या ना दे, अगर नहीं दे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा यूजर के डिसीजन पे. जो यूजर अपना डिसीजन ले रहा है विच दे आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर अगर कोई यूजर अपना डिसीजन दे रहा है, ले रहा है, तो अगर उसको ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इग्नोर कर दिया, तो क्या उसका डिसीजन चेंज हो जाएगा? तो अगर ऐसा है तो बेटे वो इन्फॉर्मेशन मेटेरियल होती है. नेक्स्ट अगला हेडिंग रिलायबिलिटी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये क्वालिटी बनी रहे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह के बने क्या अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल एरर्स और ओमिशन एंड बायस. बेटे इन सब चीजों से ये फ्री रहे स्टेटमेंट, इस तरह की उसमें प्रेजेंटेबिलिटी आए. दैट इज रिलायबिलिटी मस्ट बी देयर विच कम्स फ्रॉम दीज फैक्टर्स. बेटे रिलायबिलिटी इन वाले फैक्टर से डिसाइड होती है. कौन कौन से भाई, कौन कौन से? नंबर वन, फेथफुल प्रेजेंटेशन. फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से सबसे पहली बात तो ये, मतलब ये फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं है. तो इंफॉर्मेशन भी कुछ इसी तरह की आ जाए जिसके आधार पर स्टैंडर्ड बने, वो इस तरह की बातों को अपने समाये रखे अपने अंदर. हाँ जी, लिखो बेटे इसके अंदर द फेथफुलनेस किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ द फेथफुलनेस इन टर्म्स ऑफ द, ये मानते हुए कि बच्चे ने यहां तक नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? बढ़ जाओ सर, नोट कर लिया हमने. चलिए नोट कर लिया होगा. इन टर्म्स ऑफ द सर मुझे भी ले आओ स्क्रीन पे. पर्पस for which such information is to be provided. भाई जिस purpose के लिए हम financial statement में information दे रहे हैं वो पर्पस फुलफिल हो जाना चाहिए. जैसे डेट इक्विटी रेशियो है, तो डेट इक्विटी रेशियो सही बताएंगे
तो उससे क्या होगा, उससे डेट वाले अपने आप को फील करेंगे सिक्योर, तो वो सही पर्पज एकदम सेव हो जाएगा उसमें कि हाँ भाई, सर्व हो जाएगा कि हाँ भाई जिस पर्पज के लिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे डेट इक्विटी रेशियो बताया जा रहा है, तो उसमें डेट वालों को सिक्योर फील कराया जा रहा है, वो पर्पज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। दूसरी नंबर सेकंड बात जिसके आधार पर रिलायबिलिटी डिसाइड होती है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, हकीकत लीगल चीज से भी ऊपर रखें। मतलब जब भी आप अकाउंट्स में कोई चीज बनाएं, जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएं, तो वो इस तरह के बनाएं कि अगर लो मना भी करता है ना, तो आप अपनी तरफ से पूरी सही प्रेजेंटेशन लेकर के आए, भले ही लो मना करता है किसी बात के लिए। क्या मतलब सर? मतलब लो से झगड़ जाए क्या? नहीं, एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर जिस चीज से आती है वही चीज रिलायबल मानी जाएगी। हाँ सर, तो रिलायबिलिटी के लिए अगर आपको ऐसा लगे कि भाई लो ने भले ही कोई इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए मना कर रखा है, और तब भी हमें वो चीज बता देनी चाहिए, ताकि बता देने से रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़े, तो हमें ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने होते हैं। तो आइए बेटे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म लिखो, देयर मस्ट बी प्रायोरिटी, बेटे इस बात की प्रायोरिटी है लो की अपेक्षा, by showing the information even if law doesn't say, law नहीं बोलता है भले ही, if this information will give the real picture of organization, अगर इससे एकदम real picture सामने आती है, तो भाई ऐसी information जरूर आनी चाहिए। इसके बेसिस पर ही ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने चाहिए कि भाई, ताकि एकदम सही पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन की सामने आए। हाँ जी, अगला पॉइंट, और कौन सा पॉइंट है भाई जिससे कि रिलायबिलिटी बढ़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? प्रूडेंस, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रूडेंस का फॉलो हो। Financial statement must be prepared with recognition, मैं अगली लाइन में लिख रहा हूं, with recognition of uncertainty regarding future losses, but not future profits. कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस है तो उसको तो रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट है तो उसकी बात तब तक ना करे जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। एक नोट लिखो यहां छोटा सा, हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट This principle does not allow to create the hidden reserve or provisions
अंडर और ओवर स्टेटमेंट। सर मुझे हटा दो, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। बेटे नेट असेट्स कहीं ओवर या अंडर स्टेट ना हो जाए। पता चला प्रूडेंस के चक्कर में नेट असेट्स ही हटा दी, या उसको कम वैल्यू या ज्यादा वैल्यू पे दिखा दिया, ऐसा भी ना हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और बात है जिसके बेसिस पर रिलायबिलिटी बढ़ती है, हाँ जी, न्यूट्रलिटी। किसी के लिए पार्शल ना हो, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रह करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह के बने कि जिसके आधार पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन ए व्यू टू इन्फ्लुएंस ए पार्टिकुलर यूजर और यूजर क्लास, कि भाई ऐसा ना हो कि किसी पार्टिकुलर यूजर या यूजर के ग्रुप के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने लगे। नंबर लास्ट फिफ्थ पॉइंट, कंप्लीटनेस। भाई उसके अंदर कंप्लीटनेस होने चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाने चाहिए। प्लीज आप इसे नोट करें, फिर मुझे आगे बात करनी है बेटे। आई होप कि बच्चों ने इस बात को नोट कर लिया होगा। ये मानते हुए कि बच्चों ने इसको नोट कर लिया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटे। हाँ जी, देखो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और वो बनी रहे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर, इसी के आधार पर हम लोगों को बनाने हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उसी की बात चल रही है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बनी रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिलेवेंसी रहे, मैटेरियलिटी रहे, रिलायबिलिटी रहे, ठीक है। और रिलायबिलिटी कैसे कैसे होगी, हम ये बात कर रहे थे अभी यहाँ पर। अब अगला ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट मैं वो लिखने जा रहा हूँ, ई पॉइंट है बेटे कंपेरेबिलिटी। ये तो रिलायबिलिटी के अंदर के पॉइंट चल रहे थे। सर एग्जाम में हमें हेडिंग डालने हैं, हाँ बेटे बिल्कुल हेडिंग डालो। अच्छा सर एग्जाम में अलग अलग पेन के कलर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं बेटे, अनफेयर मीन माना जा सकता है अब तो। अच्छा सर कौन कौन से कलर के पेन यूज कर सकते हैं, नाउ ओनली ब्लैक पेन इज अलाउड, ठीक है। तो आप कॉपी पर वैसे ही लिखने की आदत डालें, लिखो बेटे यहां पर लिखो विद द कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली फॉलो ऑफ पॉलिसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी मेड कंपेरेबल। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बनाया जा सकता है विद द कंसिस्टेंट फॉलो ऑफ पॉलिसी। एंड आई होप कि यहां तक भी बच्चों ने नोट कर लिया है। आइए मैं फिर से बताता हूं कि फ्रेमवर्क में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा लिंक टूटना नहीं चाहिए। फ्रेमवर्क में हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग पॉइंट्स की, उनमें सबसे पहले बेटे हमने देखा कि
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो आधार है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रहे, इस आधार पर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना है। उनमें से सबसे पहली बात तो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पर हमने बात की, उनको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेंटेन बनी रहे, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने हैं। आज बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको उनके कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। वो उन एलिमेंट्स के बारे में पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनका रिकॉग्निशन मेजरमेंट का भी ध्यान रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने हैं, सो दैट सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने बन सके। आइए अब मैं इसी पे वर्क करने जा रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हेडिंग, तो बेटे अगला हेडिंग जो है हमारा वो है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर मुझे भी ले आओ। तो ये है हमारा फोर्थ हेडिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं? हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मेन पार्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वहां पर जो फ्रेमवर्क में दिए गए थे, कंटेन टू मेन पार्ट्स, कि दो मेन पार्ट होते हैं। नंबर ए बैलेंस शीट, एक तो भाई बैलेंस शीट होती है बिल्कुल, और दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो मेन पार्ट हैं जो होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट, एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। भाई एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट देखो बेटे, फॉलोइंग्स आर द एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। हाँ जी, नंबर वन असेट्स। सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। असेट्स का मतलब क्या है बेटे, किसको हम बोलते हैं असेट्स? कोई भी रिसोर्स जो कि कंट्रोल में हो एंटिटी के। हम किसी चीज को अपनी असेट्स कैसे बोल सकते हैं, इस बात की बेटे डेफिनेशन हमें बता रखिए, प्रॉपर बता रखिए। रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। भाई जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है हम उसको असेस कैसे बोल सकते हैं? पड़ोसी की असेस पे कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं। किस वजह से? एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। कह रहे हैं क्या
एक ऐसा रिसोर्स जो एंटिटी के कंट्रोल में हो, किस वजह से, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, फ्यूचर में उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आना हो एंटिटी को, तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे कि वो हमारी असेट्स है। ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या आ गया भाई, किसको बोलेंगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है कि फ्यूचर में या तो हमारी कॉस्ट परमानेंटली घट रही हो, या फिर हमारा परमानेंटली कोई बेनिफिट जनरेट हो रहा हो, कैपेसिटी बढ़ रही हो। क्या कहते हैं, द इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या तो ये हो या फिर द रिडक्शन इन कैश आउटफ्लो, या फिर भाई कैश आउटफ्लो घट जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि फ्यूचर में हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रही है। बेनिफिट कैसे हो रहा है हमारा इकोनॉमिकली, या तो हमें हमारी कॉस्ट घट रही है, या हमारा कोई इनफ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्रीजमेंट हो रहा है। दूसरा पार्ट है जी लायबिलिटीज। सर हम पढ़ क्या रहे हैं बेटे, बार बार याद दिलाना पड़ेगा, ध्यान रखना अपने आप को, यहाँ ये चैप्टर ही ऐसा है। हम पढ़ रहे हैं किन किन के आधार पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर चाहे हमारे यहाँ पर, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें अच्छे से मेंटेन हो पाए, और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने में कुछ टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले यूज होनी है, और वो टर्म्स क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो दो हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेटे इन दोनों दोनों एलिमेंट के लिए तो स्टैंडर्ड बन रहे होंगे ना? हाँ सर। तो इन एलिमेंट की नॉलेज होनी चाहिए ना? हाँ सर। इन एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज यूज होती है हमें पहले उसकी नॉलेज करनी है, ताकि जब एएस में ये वर्ड यूज हो रहे होंगे तो हमें समझ में आ जाए कि वो कहां कहां पर क्या बात कहने लग रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। तो पहली बात तो असेट्स किसको बोलते हैं, ठीक है, फिर बात कर रहे हैं बेटे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसको बोलते हैं जी? लायबिलिटीज लिखो बेटे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब बेटे प्रेजेंट में या तो कोई हमारी ड्यूटी है या फिर कोई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो किससे अराइज हो रही है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो किससे अराइज हुई है बेटे, पास्ट इवेंट से। प्रेजेंट में कोई ऑब्लिगेशन अराइज हुई है ड्यू टू पास्ट इवेंट, और उससे फ्यूचर में हमारा कैश आउटफ्लो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसलिए लिखिए एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट फ्यूचर कैश आउटफ्लो, फ्यूचर कैश आउटफ्लो, और उसका रिजल्ट ये होने वाला है कि फ्यूचर में हमारी जेब से कैश जाने वाला है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, जो पास्ट में किसी घटना की वजह से आई हुई है, और उसका रिजल्ट ये होने वाला है कि फ्यूचर में हमारी जेब से कैश जाने वाला है, तो हम बोल देंगे कि वो हमारी लायबिलिटी है। नंबर थर्ड क्या हुआ? अच्छा तो अभी हुआ है या पहले भी हुआ था? देखो वॉइस खराब तो नहीं होगी?
हाँ जी, नेक्स्ट तो अगला पॉइंट है हमारा ये असेट्स लायबिलिटी की तरह बेटे थर्ड पॉइंट है बैलेंस शीट वाला, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी। हाँ जी, नंबर थर्ड पॉइंट बैलेंस शीट का एलिमेंट हम लोग कर रहे हैं इक्विटी। भाई ये मालिक की बात है, असली बात क्या है? मालिक है ना, असेट्स माइनस लायबिलिटी वाली। तो जैसे आपने पढ़ी थी ना इक्वेशन, असेट्स माइनस लायबिलिटीज है ना, बस उसी को यहां पे बताया गया डेफिनेशन में, फ्रेमवर्क में। रेजिड्यूअल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ एंटिटी आफ्टर रिड्यूसिंग द ऑल लायबिलिटीज। कहते हैं कि देखो भाई, टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी को घटा दो और जो बच जाए रेजिड्यूअल इंटरेस्ट, उसको बोलेंगे क्या? इक्विटी। क्या बोलेंगे बेटे? इक्विटी। क्या बोलेंगे? इक्विटी। ये थर्ड एलिमेंट है भाई, ये थर्ड डेफिनेशन है इस बैलेंस शीट वाले एलिमेंट के अंदर। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है भाई? दूसरा एलिमेंट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए जी। तो दूसरा एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ बैलेंस शीट, तो मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट। इसमें सबसे पहला इनकम है, और दूसरा क्या होगा आपको पता है? बोलो क्या होगा? एक्सपेंस। बिल्कुल सही, इनकम की बात करते हैं। अदर देन, कहते हैं कि देखो मालिक ने जो लगाया उसके अलावा सारी इनकम है। अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। कहते हैं इक्विटी पार्टिसिपेंट्स के कंट्रीब्यूशन के अलावा जो चीज है, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट इज कॉल्ड इनकम। एक और बात लिखी हुई यहां पर, द इंक्रीज, बेटे लिखते चलना, इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मुझे हटा दीजिए सर, इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लो। कहते हैं कि अगर इंक्रीज हुआ, किसमें हुआ? इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज हुआ, तो तब भी वो क्या कहलाएगा? हमारी इनकम कहलाएगा जी, बिजनेस की। अच्छा, तो कैश इनफ्लो, तो इकोनॉमिक बेनिफिट में किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लो, एक तो ये हो गया, ठीक है, और किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ असेट्स का बढ़ना, और इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन लायबिलिटीज। इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन लायबिलिटीज, तब भी ये क्या होगा बेटे? ये कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगी हमारी इनकम।
एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। किसको बोलते हैं एक्सपेंसेस? आइए, अदर देन, सर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स बनाने के लिए जो आधार है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने हैं तो उन आधार में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ टर्म्स यूज होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनकम किसको बोलते हैं, एक्सपेंस किसको बोलते हैं, ये बात वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आधार में, बेसिस में ये बात लिखी गई थी ताकि स्टैंडर्ड्स को अच्छे से बनाया जा सके। अदर देन द डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बेटे यहाँ पे था कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी के अलावा जो है वो इनकम है, यानी घर से जो लगा रहे हैं, घर से जो ला रहे हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज क्या है, इनकम। ऐसे घर पे जो ले जा रहे हैं उसके अलावा सारे क्या होंगे, खर्चे। अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी, पार्टिसिपेंट्स इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। द डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैं रुक गया बेटे, मुझे पता है कि आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ, आप पहले यहां तक नोट कर लो। तो मैं आगे चलूं, आई होप अब तो बच्चों ने नोट कर लिया होगा। द डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैश आउट फ्लो और इन द फॉर्म ऑफ असेट्स डिप्लेशन और इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन लायबिलिटीज, वो बन जाते हैं, वो कहलाते हैं बेटे एक्सपेंस। हाँ जी, फ्रेमवर्क में और क्या है सर? अगला पॉइंट बेटे, आई होप कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, और इस उम्मीद के साथ मैं चल रहा हूं अब आगे। बेटे कौन कौन से पॉइंट हमने यहां पे लिखने थे, ठीक है ना, डेफिनेशंस एंड रिकॉग्नाइजेशन बेसिस, है ना। अभी हमें इसकी बात करनी है, रिकॉग्नाइजेशन बेसिस की, रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स अभी हमने पढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको कब कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अकाउंटिंग में, कब कब उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है, और क्या उनका बेसिस है रिकॉर्ड करने का। आइए मैं लिखाता हूँ। यस, तो नंबर फिफ्थ हेडिंग डालिए, हेडिंग डालो बेटे रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन बेसिस फॉर रिकॉग्नाइजेशन of elements in the
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या आधार है जी? मैं यहां पर एक सीरीज बना रहा हूं बेटे, इधर मैं लिखूंगा आइटम्स, स्केल कहां है ये रहा, मैं इधर लिखूंगा बेटे आइटम्स, फिर मैं लिखूंगा कि उसको रिकॉग्नाइज किस जगह पर करते हैं, उसको रिकॉर्ड कहां किया जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड इन वो बैलेंस शीट में आएगा या फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आएगा, और आएगा तो उसका आधार क्या है, किस आधार पे आएगा, कब आएगा। टेबल बनाओ जल्दी से। सबसे पहले है यहां पर नंबर वन एलिमेंट असेट्स, असेट्स को कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है जी, आप सबको वैसे पता है लेकिन आज वो बेसिस पढ़ रहे हैं जिस आधार पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, बस वो आधार हमने पहले कभी हमेशा इग्नोर कर देते थे थ्योरी समझ करके। रिकॉग्नाइज इन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करना है, मतलब बेटे रिकॉर्ड करना है, और भाई कब करना है, हाँ जी इसको तब किया जाता है व्हेन असेट, जब असेट्स के अंदर ये बातें आपको देखने को मिलती है। सर मुझे हटा दो स्क्रीन से। हैविंग क्या क्या, क्या क्या चीज है भाई, जब उसके अंदर कोस लगी हो असेट्स के अंदर, अगर बेटे कोस नहीं लगी है ना तो ऐसी असेट्स को रिकॉर्ड करते ही नहीं है बुक्स में। मेजरमेंट, मेजरमेंट कोई वैल्यू तो हो, और वो कोस्ट रिलायबली रिलायबली मेजरेबल हो। सर हम एग्जाम में क्या ऐसे लिखेंगे अगर आ गया तो? बेटे आप इसको बस बिना लाइन लगाए, बिना ये हेडिंग डाले तब करना। हेडिंग डालना असेट्स, लिखना रिकॉग्नाइज इन बैलेंस शीट, फिर लिखना व्हेन द असेट्स, कब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, व्हेन असेट्स हैविंग, एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है बस। मैं आपको ये ऐसे क्यों लिखवा रहा हूँ फिर टेबल में, ताकि आपके एकदम से इजीली याद रहे, एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको फटाफट से क्विकली एकदम माइंड में सेट हो जाए। तो कोस्ट जब रिलायबली मेजरेबल हो तब रिकॉर्ड करते हैं असेट्स को, बी पॉइंट, और उससे प्रोबेबल फ्यूचर हो, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो टू एंटिटी, भाई ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी हो, तब तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। नंबर सेकंड, अभी तक तो हमने बस यही देखा था कि सर हाँ उठाया मशीनरी खरीदी, हाँ डाल दो उसको बैलेंस शीट में, क्यों डाल दो, आज समझो मशीनरी की कॉस्ट है और आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हो और फ्यूचर में वो आपको बेनिफिट देगी। अगर कोई ऐसी मशीनरी है जिसकी कॉस्ट नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या कॉस्ट तो है लेकिन पता ही नहीं चला सकती तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, या कॉस्ट भी है और अमाउंट भी पता चल सकती है लेकिन उससे फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है एंटिटी को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ध्यान रहे। लायबिलिटी, हाँ बेटा लायबिलिटी, इसको भी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में, कब, व्हेन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जब प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन हो, प्रेजेंट में बेटे टेंशन हो, यानी प्रेजेंट में ड्यूटी बन गई हो, प्रोबेबल, प्रोबेबल, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ कैश, और फ्यूचर में कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट, फ्यूचर में कैश या कैश के इक्विवेलेंट
आउटफ्लो होने वाला हो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एंड अमाउंट इज मेजरेबल रिलायबली और वो अमाउंट उसकी लायबिलिटी की अच्छे से मेजर हो सकती हो, रिलायबली मेजर हो सकती हो, तो हम लायबिलिटी को तब रिकॉर्ड करते हैं। जैसे क्रिएटर्स की मैं बात कर लूं, क्रिएटर्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उसका पैसा देना है, हाँ, फ्यूचर में हाँ, अमाउंट उसकी मेजर हो सकती है, हाँ, तो इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है। अगला पॉइंट है इनकम। इनकम को बुक्स में कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। और उसका आधार क्या है, व्हेन, जब हम किसी भी चीज को इनकम कब मानेंगे और कब उसको रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगर फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं, किस तरह से, रिलेटेड टू ए बी और सी, और सी, इनमें से किसी भी रिलेशन में किसी तरह से कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो सकता है, तो हम उस इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, कैसे भाई, अगर इंक्रीज हो जाए किसमें, इंक्रीज इन असेट्स, या फिर, और या फिर बेटे डिक्रीज हो जाए इन लायबिलिटी, ऐसा आप कुछ कैश फ्लो में भी तो करते थे, और या फिर हो जाए अच्छा ठीक है, इनमें से कोई भी एक बात हो जाए एंड और उसकी अमाउंट अमाउंट इज रिलायबली मेजरेबल, और उसकी अमाउंट जो है रिलायबली मेजरेबल हो, ये देखो पहली ए और बी के बीच में तो और है बेटे, इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए और वो अमाउंट डिसाइड हो जाए इजीली, तब हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि बेटे हम ऐसा तो कह नहीं सकते इनकम टैक्स वाले को, अंदाजन हमारी इनकम ये है तो हम तुम्हें अंदाजन टैक्स दे रहे हैं। ऐसे ही बच्चों एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, कब, व्हेन, इसका जस्ट अपोजिट लिखना है हमें, इसका जस्ट अपोजिट लिखना है हमें। मैं रुका हुआ हूं कि आप नोट कर रहे होंगे बेटे, क्लास उसी को फास्ट लगेगी जो बातें करेगा, और क्लास उसको बहुत स्लो लगेगी जो नोट नहीं करेगा। प्रॉपर टाइमिंग के साथ मैं बात कर रहा हूं, जितना एक रीजनेबल टाइम नोट करने के लिए चाहिए। व्हेन भाई, कब रिकॉर्ड करेंगे खर्च को, व्हेन डिक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिलेटेड टू, जहां इंक्रीज था बेटे वहां डिक्रीज कर दो, जहां डिक्रीज है वहां इंक्रीज कर दो, और बाकी सेम है। ए ऊपर इंक्रीज था, यहां पर क्या होगा, डिक्रीज इन असेट्स, और या फिर बी इंक्रीज इन लायबिलिटी, या फिर भाई लायबिलिटी में इंक्रीज हो जाए, एंड सी और उसकी अमाउंट रिलायबली मेजरेबल हो, एंड अमाउंट इज रिलायबली मेजरेबल हो। तो भी हम
एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटे, ये मानते हुए कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है, अगला हेडिंग है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। सर मुझे भी ले आओ स्क्रीन पे, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल सिक्स हेडिंग। इसकी थ्योरी का लास्ट हेडिंग बेटे, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हुए जो हमें आधार चाहिए, जो आधार किस लिए चाहिए, ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर और प्रेजेंटेबल बन सके, तो हमें उनमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अकाउंटिंग कुछ इस तरह की हो कि एकदम बिल्कुल सही पिक्चर सामने है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक खासियत और आए, क्या, कि जो कैपिटल उसने घर से लगा रखी थी वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिजनेस में, ये बात भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाए। क्या मतलब सर, मान लिया किसी आदमी ने 1,00,000 रुपए लगाए और आज वो ईयर एंड पर हमने अकाउंटिंग करते करते पता चलाया कि वो 1,00,000 रुपए आज 1,20,000 के बराबर है, तो पता चलेगा कि हाँ भाई उसने कैपिटल को मेंटेन किया है, 20,000 रुपए उसका प्रॉफिट है, वो 20,000 रुपए घर लेकर के जा सकता है। लेकिन अगर मान लिया सही अकाउंटिंग नहीं हुई तो पता चला कि किसी ने गलती से, गलत अकाउंटिंग की वजह से, जैसे एनाडोन के साथ में हुआ था, 1,20,000 से भी ऊपर प्रॉफिट बता दिया कि 1,40,000 आपका प्रॉफिट है जी, और वो बिजनेस से निकाल कर ले गया 20 के बजाय 40, तो अगले साल जो पैसा लगना चाहिए था बिजनेस की ग्रोथ के लिए कम से कम उतना तो हो जितना शुरू में लगा हुआ, तो बेटे पता चला वो कैपिटल घट गई, तो फिर बिजनेस ग्रोथ कहां से चलेगा, ये तो उल्टा बिजनेस बंद होने के कगार पे पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ इस तरह के बने कि उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को। आइए जी लिखें, इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट कैपिटल हैज बीन मेंटेन्ड इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स ये बात एंश्योर हो जाए, क्या, द रिटेन्ड प्रॉफिट्स, The retained profits are not negative. कि भाई जो retained profits है वो negative ना हो, यानी जो है minus की figure ना है opening और closing capital का जो difference है, ठीक है। आइए इसके अंदर दो तरह के concepts हैं, सबसे पहला concept इसके अंदर जो है वो है आपका financial concept। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है बेटे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाना बेटा प्लीज। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, ये देखना चाहते हैं कि जो शुरू में लगाया था ना वो है कि नहीं, ये उसकी बात कर रहे हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट कैपिटल इज हैविंग
द सेम मीनिंग विच नॉर्मली अंडरस्टैंड. क्या मतलब सर, यहां पर क्या कैपिटल के मीनिंग भी चेंज हो जाएंगे? हाँ, अभी बस आने दो अगले पॉइंट में, वहां आपको बात कुछ पता चलेगी. नॉर्मली अंडरस्टूड, जो नॉर्मली हम लोग समझते हैं वही मीनिंग है यहां पर कैपिटल का, सबसे पहली बात. चलो जी सर, यहां तक तो बात ओके है. फिर नेक्स्ट पॉइंट, देन द अमाउंट, मतलब क्या है वो मीनिंग, द अमाउंट इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, मतलब बेटे ओनर, ओनर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वही तो हम मतलब समझते हैं. मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है जी, विद रुपीज दिस वन कैपिटल, तो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में भी हम उसी को कैपिटल बोल रहे होते हैं. एक एग्जांपल लिख ही लेते हैं. एग्जांपल, अजय इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख एंड स्टार्टेड बिजनेस, एंड स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस. विद पार्टनरशिप में ले आता हूं, विद पार्टनरशिप ऑफ मिस्टर विजय. भाई एक है मिस्टर अजय और एक है मिस्टर विजय, उनके पार्टनरशिप हो गए, दोनों ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट की. ही आल्सो इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख, ठीक है जी, ओके जी. अच्छा, दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है जी. नाउ एट ईयर एंड द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बिजनेस इज रुपीज 2,50,000, 2 लाख, चलो 3,50,000 कर लेते, 3,50,000. भाई ईयर एंड पे पता चला, क्या पता चला कि क्लोजिंग कैपिटल कितने की, 3.5 लाख रुपए की, ठीक है. तो आओ जरा देखते हैं कैसे इसको देखते हैं, कैपिटल मेंटेन और नोट. तो क्लोजिंग कैपिटल और बेटे ओपनिंग कैपिटल, दोनों का डिफरेंस चेक कर लिया जाता है और ये डिफरेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. क्लोजिंग कैपिटल है 3.5 लाख, ओपनिंग कैपिटल है भाई 2 लाख रुपए, क्योंकि दोनों ने 1-1 लाख लगाए थे, तो डिफरेंस है 50,000. क्या ये नेगेटिव है? सिंस इट इज पॉजिटिव सो वी कैन से, तो भाई हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से क्या, कि भाई कैपिटल जो है ना, कैपिटल, हाँ जी, मेंटेन्ड, कैपिटल को मेंटेन कर लिया गया है. ठीक है जी, तो ये तो है हमारी हमारा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल. अब हम आगे चल रहे हैं बेटे.
प्लीज इसको नोट करें जल्दी से सो दैट मैं आगे चल सकूं. फाइनेंशियल कैपिटल कॉन्सेप्ट, कैपिटल के मेंटेनेंस का फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट. एंड आई होप कि बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया होगा. चलें आगे जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग. हाँ जी आइए जी. अब ये जो है इसके अंदर हमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देनी है. क्या अगला पॉइंट डाले इसके अंदर छोटा सा हेडिंग लिखें ए फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. पेन कहाँ गया जी, पेन कहाँ गया, ये रहा जी. इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम लोग. एक एग्जाम्पल लिखो उसके जरिए हम लोग इस बात को समझेंगे. एग्जाम्पल मिस्टर राम है जी, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस. मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017 विद, बेटे थोड़े फास्ट हाथ चलाना प्लीज, विद रुपीज 10 लाख. भाई 10 लाख रुपए से मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया. ही बोट 20,000 units. बेटे उसने 20,000 units खरीदी ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की 20,000 units खरीदी और एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर यूनिट, ये उसकी कॉस्ट है बेटे. 50 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट पर 20,000 यूनिट उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा. इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 20 × 100, 10 लाख पूरे पूरे इन्वेस्ट कर दिए जी, ठीक है जी. एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर यूनिट, और उसको 60 रुपीज पर यूनिट के बेस पर बेच दिया. अच्छा, ड्रॉइंग्स जो है ना, ड्रॉइंग्स मेड बाय मिस्टर एक्स ड्यूरिंग द ईयर, बेटे ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स ने कुछ ड्रॉइंग्स किए, वर रुपीज 1 लाख.
कितने के ड्रॉइंग्स? 1,00,000 रुपए के ड्रॉइंग्स उसने साल भर में किए। नाउ चेक कैपिटल मेंटेन और नोट। कैपिटल मेंटेन्ड और नोट, ये चेक करना है जी। तो देखो बेटे यहां पे करेंगे कैसे, आप खुद ही देखो। नंबर वन भाई, क्लोजिंग कैपिटल जो है ना, क्लोजिंग कैपिटल उसको देख लो, ठीक है जी, और इसमें से घटा दो। नंबर टू लेस नंबर सेकंड, वो क्या है बेटे, ओपनिंग कैपिटल, उसको घटा दो। जब आप ओपनिंग कैपिटल को घटा दोगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट शुड नॉट बी नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है, सर मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से, अगर वो नेगेटिव है तो भाई कैपिटल मेंटेन नहीं हो पाई है। तो डिफरेंस जो है वो होता है रिटेन्ड प्रॉफिट। क्या होता है? रिटेन्ड प्रॉफिट्स। तो बेटे सबसे पहली बात तो बेटे हमें क्लोजिंग कैपिटल का पता होना चाहिए। आप सबको पता है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है। ओपनिंग कैपिटल वो कितने की थी जी? ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में 10,00,000 रुपए की थी। आप उसमें क्या करोगे? प्लस करोगे बेटे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और माइनस करोगे ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉइंग साल भर के वो है 1,00,000 रुपए। अब अगर मैं नेट प्रॉफिट का हिसाब किताब लगाऊं तो 60-60 रुपए में बेचा, 50-50 रुपए में खरीद कर 20,000 यूनिट को, तो मैं कह सकता हूं 20,000 यूनिट्स पर एट द रेट ऑफ 60-50 ये इसका प्रॉफिट है, यानी 10-10 रुपए के डिफरेंस को मैं प्रॉफिट बोल सकता हूं। यस, तो बेटे कितने रुपए प्रॉफिट हुआ? 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना, 10-10 रुपए का एक यूनिट पे, तो बेटे 20,000 यूनिट पे कितना हो गया? 2,00,000। तो 10,00,000 प्लस 2,00,000 माइनस 1,00,000, तो भाई क्लोजिंग में जो कैपिटल थी वो थी बच्चों 11,00,000 रुपए की, और उसमें से हमने घटा दी ओपनिंग वाली कैपिटल 10,00,000 रुपए की, तो कितना आया डिफरेंस? 1,00,000 रुपए का डिफरेंस आया जी। और क्योंकि ये डिफरेंस पॉजिटिव है, क्योंकि ये डिफरेंस पॉजिटिव है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई कैपिटल जो है ना वो मेंटेन की गई है। क्या? कैपिटल जो है वो मेंटेन की गई है, हम ये कह सकते हैं बड़े आसानी से। अच्छा सर, हाँ अगर इसके ड्रॉइंग्स 1,00,000 से ज्यादा हो जाते ना तो ये कैपिटल मेंटेन ही नहीं कर पाता, ठीक है। आइए जी मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। जैसे ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऐसे ही बेटे बी पार्ट है हमारा, बी पार्ट है वो ये कहता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस को हम चेक करते हैं किस बेसिस पर? एट करंट परचेजिंग पावर, कि भाई करंट की परचेजिंग पावर के हिसाब से बताओ। सीधी सी बात है ये, लिखो जी। अगर इसी में सेम इफ लिखो बेटे यहां पे एग्जांपल, उसके जरिए बात समझ में आएगी। इफ इन सेम अबो एग्जांपल, जो हम एग्जांपल ऊपर लिख के आए हैं अभी, अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें और क्वेश्चन ने हमें दे दिया एवरेज प्राइस इंडेक्स, हमें क्वेश्चन दे देता है एवरेज प्राइस इंडेक्स ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग। मतलब सीधी सीधी बात है बेटे, जैसे कैपिटल गेन में हमें प्राइस इंडेक्स दे देते थे ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, भाई साल के शुरू में जो रुपया है वो आज के कितने रुपए के बराबर है। तो अगर हमें ये प्राइस इंडेक्स दे दिया बिगिनिंग का और एंड का, और मान लिया वो दे रखा है 100 एंड
120, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो भाई, साल के बिगिनिंग में कोई अगर 100 रुपए थे तो वो ईयर के एंड में वो 100 रुपए 120 के बराबर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर साल के शुरू में कोई 100 रुपए होते हैं तो प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो ईयर के एंड में 120 के बराबर है, तो तब चेक करो जी कैपिटल का मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं। हाँ जी मुझे भी ले आओ सर, चेक सर मुझे भी ले आओ, चेक वेदर कैपिटल मेंटेन और नोट, चेक कैपिटल मेंटेनेंस। भाई एक बात है सीधी सी, उसमें से घट जाएगी ओपनिंग में क्लोजिंग वाली कैपिटल में से ओपनिंग, और डिफरेंस देखेंगे वो नेगेटिव है कि नहीं। सबसे पहली बात तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की है बेटे, वो तो सेम रहेगी अपनी 11 लाख रुपए, बार बार थोड़ा निकालेंगे हम। हाँ ओपनिंग कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल को हम लेकर आएंगे एट करंट पीपी मतलब परचेजिंग पावर। भाई साल के शुरू में 10 लाख रुपए थे और वो 100 रुपए के बराबर थे जो आज 120 रुपए के बराबर इंडेक्स है, यानी साल के शुरू के 100 रुपए आज 120 के बराबर हैं, तो साल के शुरू के 10 लाख कितने के बराबर है, 12 लाख रुपए के ना। ओहो इस बार तो जो रिटेन प्रॉफिट है, जो डिफरेंस है, दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट्स जिसको हम नाम देते हैं भाई, वो ना नेगेटिव में है, माइनस के 2 लाख रुपए। और इसका मतलब पता है क्या समझते हो, इसका मतलब क्या है, यानी बेटे मामला खतरे में है। हेयर वी कैन से, हेयर वी कैन से दैट कैपिटल नोट मेंटेन, कैपिटल नोट मेंटेन। अगर क्वेश्चन एग्जाम से, एग्जाम में आपसे पूछे फिजिकल सॉरी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट प्रेजेंट पावर, करंट परचेजिंग पावर चेक कीजिए, तो आपको ऐसे करना है बेटे एग्जाम में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, हाँ जी लास्ट पॉइंट अगला है हमारा फिजिकल, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस किस पर, एट करंट कॉस्ट। सारे बच्चे लिखेंगे इसे पहले, इस हेडिंग को डालेंगे। वो थे दोनों केस कौन से, ए और बी, फाइनेंशियल कैपिटल के, ये फिजिकल कैपिटल के। लिखो बेटे इफ इन द सेम क्वेश्चन, अब अगर सेम उसी एग्जांपल की हम बात करें, क्या इफ स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स, बेटे ध्यान देना यहां पर परसेंटेज वाइज दिया था, वहां 100 120 की बात बताई थी। इफ स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स फॉर द प्रोडक्ट, भाई जिसमें हम डील कर रहे हैं, एक तो बेटे प्राइस टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एक है बेटे टाइम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इफ स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स फॉर द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर इज इक्वल टू 125%, देन चेक, चेक कैपिटल मेंटेनेंस। भाई यहां पर नंबर वन और नंबर टू और थर्ड होगा बेटे क्या अपना, डिफरेंस। सबसे पहली बात बेटे क्लोजिंग वाली कैपिटल, बेटे क्लोजिंग वाली कैपिटल में से घटा देंगे हम 11 लाख में से घटा देंगे क्या करंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल,
ध्यान रहे इस बार मैंने क्या लिखा, करंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ना कि करंट परचेजिंग पावर ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या है भाई, 10 लाख का 125%, सीधी सीधी सी बात बेटे, 12,50,000। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस के 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो कैपिटल नॉट मेंटेन, नेगेटिव आ रहा है ना, प्लीज इसको नोट करें। हेंस कैपिटल नॉट मेंटेन, सर मुझे भी ले आओ स्क्रीन पे। तो ये थी बेटे एक छोटी सी बात आपके साथ, जहां पर बहुत ही बेसिक की हमने बात की, लीगल फ्रेमवर्क, सॉरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे रुक रहा हूं, नेक्स्ट क्लास हम लोग जैसे हमने डिसाइड किया कि आधी क्लास थोड़ा सा बेसिक की रहेगी, उसके बाद में एक्सक्लूसिवली क्लास रिलेवेंट पार्ट के लिए रहेगी, चाहे वो फाइनल वाले हैं तो फाइनल वाले की पार्ट स्टार्ट हो जाएगा वहां से, जो सी एंटर वाला है वो सी एंटर के लिए स्टार्ट हो जाएगा वहां से, ठीक है। चलिए बच्चों फिर, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, प्लीज फीडबैक बताइएगा व्हाट्सएप पर, बाय। सर ओवर कर दीजिए, सर ओवर कर दीजिए।